जल, भूमि, अग्नि, वायु। बहुत साल पहले चारों राष्ट्र आपस में शांति से रहते थे। फिर सब कुछ बदल गया जब अग्नि देश ने युद्ध छेड़ दिए। केवल अवतार चारों तत्वों का ज्ञाता ही उन्हें रोक सकता था, लेकिन जब दुनिया को उसकी जरूरत थी तभी वो गुम हो गया। 100 साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अवतार ढूंढ निकाला, एंग नाम का एक एयरबेंडर। हालांकि उसकी वायु सिद्धियां अद्भुत थी, फिर भी उसे जानना था कि उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है। पिछली बार अवतार में मेरा नाम जेट है। मैं अतीत की वो चीज याद नहीं रखता जिससे मुझे शर्म आती है, तभी तो मैं बासिंग से जा रहा हूँ एक नई शुरुआत के लिए। यकीन नहीं होता कि अग्नि देश ने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं। इन सबको एक बेहतर जिंदगी की तलाश है। ये बासिंगसे की दीवारों के पीछे ही सुरक्षित रहेंगे। तो बताओ तुम नाव की टिकटें क्यों ले रहे हो? आपा खो गया है, उम्मीद करते हैं वो बासिंगसे में हो। वादा करता हूँ जितना जल्दी हो सके आपा को ढूंढ निकालूंगा। माफ करना मोमो, आपा को इंतजार करना होगा। ये मशीन प्रतीक है तकनीकी विकास और हर जगह तबाही मचाने का। एक बार ये दीवार में सुरंग बना दे, फिर हमारी सेना शहर में धावा बोल देगी और पृथ्वी सल्तनत गिर जाएगी, और फिर आप अपने पिता के लिए बासिंग से जीत सकेंगी। हमें कोई नहीं रोक सकता। पर उन तगड़े आदमियों का क्या जो वहाँ नीचे है? क्या कहा? इस मशीन का भारी हिस्सा अर्थ बेंडिंग हमले से बर्बाद नहीं होने वाला। मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है युद्ध मंत्री जी, पर सावधानी बरतते हुए मैं और टाइली जाकर अर्थ बेंडर्स को संभालो। कुछ तो करने का मौका मिला। एंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम आपा को ढूंढ रहे हो। ढूंढ तो रहा था, पर किसी बड़ी सी चीज ने मुझे रोक दिया। ऐसी कौन सी बड़ी सी चीज है कि तुम आपा को भूल गए? वो हम बासिंग से पहुंच गए, पर अब भी सुरक्षित नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आम नागरिकों का यहाँ आना मना है। मैं अवतार हूँ, मुझे यहाँ के जनरल से मिलना है। आपको हमारी इतनी फिक्र है ये जानकर खुशी हुई नौजवान अवतार, पर आपकी मदद की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं? तुम बिल्कुल सही समझे। हालात मेरे काबू में हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ अग्नि देश दीवार को तोड़कर अंदर घुस नहीं सकता। काफी लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की पर कोई कामयाब नहीं हुआ। लेकिन पश्चिम के ड्रैगन का क्या, वो घुस गया था? वैसे अब एक तरह से हाँ, पर उसे तुरंत वहाँ से वापस भगा दिया गया था। वो बातें भूल जाओ, तभी तो इस शहर को बासिंग से कहते हैं। शहर जहाँ कोई भी अंदर नहीं आ सकता, इसे नासिंग से नहीं कहते हैं। इसका मतलब घुस सकने वाला शहर। हाँ, जानकारी देने का शुक्रिया, पर अभी मुसीबत बनी हुई है। वो मुसीबत नहीं है, उसे रोकने के लिए मैंने खास अर्थ बेंडिंग सेना को भेजा है, जिसे कहा जाता है जाबाज सेना। वाकई काफी बढ़िया नाम है, जाबाज सेना। तैयार, हमला।
हम बर्बाद हो गए। खुद को संभालने की कोशिश कीजिए। तुमने सही कहा, माफ कर देना। शायद अब आप अवतार की मदद लेना चाहे। जी हाँ, मदद करिए। सबसे बड़ा सवाल है, हम उस चीज को आखिर रोकेंगे कैसे? तुम सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? क्योंकि योजना तुम बनाते हो। क्या मैंने ही योजना बनाने का ठेका ले रखा है? मेरा दिमाग नहीं चल रहा। और शिकायत करने वाले शख्स भी। हाँ, ये फिर भी ठीक है। तो मिस्टर ली और मिस्टर मशी, यही है ना? दरअसल वो मूशी है। मुझे मेरा काम तुम समझाओगे? ओ, नहीं नहीं, पर एक बात तो है, आप एक खिलती हुई कली है जिसकी खुशबू से सारा चमन महक उठता है। तुम भी आंखों से बात करने में माहिर हो नौजवान। म्याओ। बासिंग से में तुम्हारा स्वागत है। मैं भूल जाऊंगा मैंने ऐसा कुछ देखा था। लगता है वो एक अच्छा स्वतंत्रता सेनानी बनेगा। वो भी अपनी मंजिल तलाश रहा है हमारी तरह। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो जेट। मुझे पता है उसे वो घाव किसी वाटर बेंडर ने नहीं दिया। मुझे लगा था अब हम सीधे रास्ते पर चलेंगे। हाँ बिल्कुल, और हमें ली जैसे लड़कों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है लॉन्ग शॉट? मुझे अपना जवाब मिल गया। इसे आखिर हुआ क्या? ये घायल तो नहीं लगता। ये अंदरूनी घाव है। तुम्हारे साथ ये किसने किया? दो लड़कियों ने हम पर हमला किया। उनमें से एक मुझे लगातार मारती रही और मैं अर्थ बेंड नहीं कर पाया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, बस इतना ही याद है। टाइली, वो इतनी खतरनाक नहीं लगती पर वो इंसानी शरीर की कमजोरियों को पहचानती है। मानो वो आप पर अंदर से हमला कर रही हो। ओ, 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 ओ। क्या हुआ? जैसा कि तुमने कहा, हम उस चीज को बिल्कुल वैसे ही रोकेंगे जैसे कि टाइली ने इन सारे बड़े अर्थ बेंडर्स को रोका था। उसकी कमजोर जगह को निशाना बनाकर हमें उस पर अंदर से वार करना होगा। एक बार मैं अर्थ बैन कर दूं तो तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए मेरे करीब रहना। भागो! अरे ये धूल कहां से आई? कुछ दिख ही नहीं रहा है। गड़बड़। फिक्र मत करिए शहजादी, वो सिर्फ एक छलावा है। यहाँ नीचे कितना अंधेरा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाप रे, अब क्या होगा? ठीक है ना? वहाँ। टॉफ, चलो आओ। मैं उस धातुई चीज में बिल्कुल नहीं जाने वाली। मैं वहाँ बेंडिंग नहीं कर पाऊंगी। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। मुझे इस यंत्र की रूपरेखा चाहिए, एक नक्शा जिससे पता चले कि अंदर क्या है, फिर हम इसकी कमजोरी जान सकते हैं। पर हमें उस तरह की चीज कहाँ से मिलेगी? ये क्या कर रहे हो? कोई शोर सुनकर आ जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ। इतने बड़े यंत्र को चलाने के लिए कारीगरों की जरूरत पड़ती है, और अगर कोई खराबी हो जाए तो वो उसे ठीक करने आते हैं। कैसे हो? इससे काम बन जाएगा। ये मशीन दो अहम हिस्सों में बटी हुई है। ये वो अंदरूनी हिस्सा है जहां हम हैं, और ये है बाहरी ढांचा। अंदरूनी और बाहरी हिस्सा इन कड़ियों से जुड़ा हुआ है। अगर हम इन्हें काट दें तो सब कुछ ठप हो जाएगा। तो कुछ सोचा शहर के अंदर जाने के बाद क्या करोगे? चाय, चाय, बासिंग से की गर्मा गर्म चाय। ओ, एक अदरक वाली देना है। ये तो बासिंग से की सबसे ठंडी चाय है। कितनी घटिया है ये। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। अगर हम शहर में साथ रहने का फैसला करें तो हम दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्या तुम हमारा साथ देना चाहोगे? शुक्रिया,
पर मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करना चाहोगे। छोड़ो भी, याद है हमने मिलकर खाना चुराया था। जरा सोचो इन शरणार्थियों की कितनी मदद होगी। कहा ना, नहीं अकड़ू कहीं कहा। अरे अपनी चाय को फायर बेंड क्यों कर रहे हो? एक समझदार बुजुर्ग आदमी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूं कि किसी चीज के चले जाने से रोना नहीं चाहिए, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। बाप रे, ये नक्शे में जितने छोटे दिख रहे थे असल में उतने ही बड़े हैं। इन्हें तोड़ने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमका क्या मतलब है? एंग और मुझे तो सारा काम करना पड़ेगा। देखो मैं योजना बनाने वाला हूँ और तुम दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तोड़ने वाले। मिलकर हम सब पे भारी हैं। दोबारा शुरू करो साथियों, हम सब, मेरा मतलब तुम अगर चाहो तो। अगर यही रफ्तार रही तो ये दीवार को जरूर नुकसान पहुंचा देगा। उन्हें तोड़ते तोड़ते हम पूरी तरह ना टूट जाए। तुमने सुना ना, हमने इसे तोड़ दिया, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुबारक हो दल, मशीन ने बा सिंह से की दीवार को छू लिया है, अब हमारी जीत ज्यादा दूर नहीं है। खिसका कर रहूंगा। ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे तोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पर इसमें काफी वक्त लग रहा है। शायद हमें इन्हें पूरी तरह काटने की जरूरत नहीं है। टॉफ मुझे सिखा रही है, अपनी पूरी ताकत कभी मत लगाओ जब तक सामने वाला हमला ना करे। सौका, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें तेज और चालाक होना चाहिए, कई जगह मारना चाहिए और अपने विरोधी को हिला देना चाहिए। और जब वो पूरी तरह लड़खड़ाए तो आखिरी पैतरा आजमाओ, उसके बाद वो खुद ब खुद गिर जाएगा। देखा तुमने? मतलब हमें कड़ियों को पूरी तरह काटने के बजाय उन्हें सिर्फ थोड़ा सा कमजोर करना है, फिर मैं इसके ऊपर जाकर अपना आखिरी पैतरा आजमाऊंगा। और धड़ाम, और फिर इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। उस दीवार के अंदर रहने वाले सब लोग, बल्कि पूरी दुनिया हम पर निर्भर है। सही कहा, पर हाँ, अग्नि देश को छोड़कर। चलो नाजुक बैल, जल्दी करो। ये काफी है, हमें अगली कड़ी पर जाना होगा। गृह मंत्री, एक इंजीनियर पर हमला हुआ, उसका नक्शा चुरा लिया गया है। मशीन के अंदर के हिस्से की एक कड़ी को पूरी तरह से काट दिया गया है, वो कभी भी गिर सकती है। चलो चलें लड़कियों। बहुत खूब साथियों, अब एंग को सिर्फ जाकर। वाह अजूला, तुम सही थी, अवतार वाकई में यहाँ है और उसके दोस्त भी। कैसी हो? दोस्तों निकलो यहाँ से, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। रुको, मुझसे ज्यादा तुम्हें इस पानी की जरूरत है। उनका पीछा करो, अवतार मेरा शिकार है। कीचड़ से भरा नाला, इसका क्या मतलब है? इसमें पानी और पत्थर मिला हुआ है, मतलब हमारे निकलने का रास्ता। गंदा है। तो क्या हुआ? अजूला ने कहा है उनका पीछा करना होगा,
वो चाहे मुझे फांसी के फंदे पर लटका दे, मैं इस गंदगी में नहीं जाने वाली। रोके रखना, इस तरह मशीन में दबाव बढ़ता जाएगा और जब एंग अपना आखिरी पैंतरा आजमाएगा तो मशीन फट जाएगी। ये जगह बिल्कुल ठीक लगती है मोमो। जनरल सन, अपने सिपाहियों से कहिए यहाँ चट्टान फेंकना बंद कर दे। सिपाहियों, कुछ भी हो जाए नीचे चट्टान फेंकना बंद मत करना। बहुत बढ़िया तकनीक है छोटी बहना, लगे रहो, सांस लेना मत भूलना। जानते हो मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारा बकबक सुनकर कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पूरी दुनिया में तुमसे बकाओ शायद ही कोई होगा। बस ऐसे ही दबाव बना कर रखो। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? टॉफ, इस कीचड़ को धकेलने में मदद करो। काश मुझे धातु बेंड करना आता। मोमो जाओ यहाँ से। शुक्रिया मोमो मेरे प्यारे दोस्त। अब मुझे जरूरत है, असल में मुझे इसी चीज की जरूरत थी।
हम हार गए। बासिंग से जाने वाली ट्रेन छूटने वाली है। चैत, शांत हो जाओ। उस बुढ़े आदमी के पास गर्म चाय थी तो क्या हुआ? उसने उसे खुद गर्म किया था। जानते हो वो दोनों फायर बेंडर्स हैं। बहुत ही प्यारा बच्चा है। शुक्रिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब ने बहुत अच्छा किया साथियों। ये बार बार हम कहना बंद करोगे? तुम चाहे जितनी बार इसे कहो मुझे ये पसंद नहीं आने वाला। क्यों ना हम खुद को गुलेल सेना का नाम दे दें? देखो ये छोटा सा है बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें ये पसंद आया ना? मुझे ये नाम अच्छा लगा। अच्छा शहर में चलते चलते इसके बारे में बात करें तो कटारा दल रखें क्या? सौका जाबाजों की सेना। तुम हो जाबाज क्या? पर तुम लोग तो हो ना।